नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में टाटा स्टील को डिस्कस करेंगे। टाटा स्टील में इस समय इंडिविजुअली न्यूज कुछ भी नहीं है, वो एक तीन प्लेट वाली न्यूज थी मर्जर को लेकर के। वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो उसको जाकर के फाइंड आउट करेंगे। एपिसोड में आगे बढ़ें इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें। यहां देखेंगे एक कंसोलिडेट फॉर्म में रहा था और इस समय जो सेकेंड हाफ के टाइम पे देखेंगे एक स्पार्ट आते हुए दिखा। इंडिविजुअल न्यूज फाइंड आउट करेंगे तो कुछ भी न्यूज नहीं दिखेगा, वो तीन प्लेट के मर्जर को लेकर के ही ये एडिटोरियल देखने को मिलेंगे जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। टेक्निकली ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक देखेंगे तो टेक्निकली आउट परफॉर्मिंग ट्रेंड में दिख रहा है, और कामकाज में देखेंगे तो 32 लाख के कंपेरेटिवली 54 लाख सेलिंग क्वांटिटी दिख रही है, और इस समय टेक्निकली जो है स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में शॉर्ट करने से बचेंगे। अगर इसके डिलीवरी देखें तो पाएंगे कि डिलीवरी इस स्टॉक के बेटर दिख रहे हैं, टेक्निकल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, और जो डिमांड एरिया था हमने क्या कहा, जब तक ये 128 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करता है बड़े डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहां देखेंगे कि डिमांड एरिया से ही एक रिवर्सल दिखा, शॉर्ट टर्म ट्रेडर 132 के एसएल को ट्रेल करेंगे और शॉर्ट करने के लिए 128 के लेवल को ब्रेकडाउन करने देंगे, और ये डिमांड जोन से अगेन रिवर्सल दिखा। हालांकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है, जो शॉर्ट ऑलरेडी लॉन्ग है वो तो ठीक है, जो लेकिन फ्रेश लॉन्ग करना चाहते हैं 142 के लेवल का वेट करेंगे, क्योंकि एक बार 142 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, यहां देखेंगे कि एक बार टेक्निकली 142 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो जो फिर तेजी होगा, अगर एक बार 142 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर ये देखेंगे तो 155 का पहला टारगेट और दूसरा 170 प्लस तक का दिखेगा। 128 के नीचे ही शॉर्ट करेंगे, जब तक ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं हो बिल्कुल लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को ही फाइंड आउट करेंगे।